तो गाइस फाइनली आ चुके हैं एक और नई BGMI की वीडियो के साथ वापस। एंड गाइस आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूं हमारे गाइस यहां पर 2.2 अपडेट आने वाला है हमारा PUBG Mobile एंड BGMI का। उसमें गाइस यहां पर क्या क्या नई चीजें आने वाली हैं, 2.0 वर्जन में क्या क्या आने वाला है, तो चलिए गाइस आज देख लेते हैं हम लोग, लेट्स गो। अब गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है जब 2.0 अपडेट आने वाला है तो बहुत ही ज्यादा मेजर चेंजेस हैं, क्योंकि भाई विकेंडी 2.0 आ जाए। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है अभी जो है विकेंडी टेम्पररी हट भी गया था एक साल के लिए, अभी जो है विकेंडी हट गया था एंड अभी जो है विकेंडी वापिस आ चुका है, तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि विकेंडी 2.0 जो है हमारे गेम के अंदर आने वाला है 2.0 अपडेट में। बाकी सब कुछ डेवलपर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा चेंजेस हैं, यानी कि यहाँ पर काफी ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये चीज बहुत ही ज्यादा मतलब लेट हो चुकी है। अब इसके बाद में गाइस बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक नई गन आने वाली है जो कि P90 होगी, जो कि SMG गन होगी, जो कि एक ड्रॉप एक्सक्लूसिव गन होने वाली है। एंड इसमें अगर आप लोग देखो इसकी एमोस भी जो है अलग ही होने वाली है, जो कि आप लोग ड्रॉप से ही उठाने वाले हो एंड इसकी एमो आप लोगों को कहीं पर भी नहीं मिलेगी। अब अगर आप लोग देखो तो इसमें जो है स्कोप भी अलग से दिया गया है, जो कि इसका मतलब स्कोप मतलब डिफॉल्ट स्कोप रहता है वो है। एंड इसमें आप लोगों को जो है कैंटेड साइड भी देखने को मिल जाती है, यानी कि इसमें आप लोगों को सब कुछ डिफॉल्ट चीजें मिलेंगी, आप लोग इसमें कुछ भी अलग से ऐड नहीं कर सकते। बाकी अगर आप लोग देखो तो इसमें जो है लेजर साइट भी है, यानी कि इसमें जो है लेजर वाली अटैचमेंट भी है एंड ये जो है काफी सही चीज है। बाकी अगर आप लोग देखो तो इसमें आप जो है कुछ जूम भी कर सकते हो इस तरीके से, यानी कि 15x स्कोप भी आप लोग इसको कह सकते हो, सिंपल सी भाषा में तो यही कहूंगा। एंड बाकी आप लोग देख सकते हो इसकी जो फायरिंग रेट है काफी अच्छा है एंड देखा जाए तो मतलब आप लोग मतलब काफी पसंद करने वाले हो। उसके बाद में गाइस बात कर ले यहाँ पर जो है एक ऐसा अपडेट आने वाला है, यानी कि एक ऐसा फीचर आने वाला है जिसमें कि आप लोग अपने टीममेट के साथ में जो है मतलब इमोट वगैरह कर सकते हो साथ में। एंड मतलब आप लोग मतलब अगर रील्स वगैरह बनाते हो तो ये भी आप लोगों के लिए काफी अच्छा फीचर है, या फिर अगर आप लोग लॉबी एडिट करते हो तो भी आप लोगों के लिए काफी अच्छा फीचर है जो कि नेक्स्ट अपडेट में आने वाला है। अब गाइस बात कर ले जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो है गेमिंग सेंटर है एंड यहाँ पर जो है शॉपिंग सेंटर है चियो पार्क के अंदर, अभी तक ये जो है अपग्रेड नहीं करा गया है एंड अभी तक ये जो है अनलॉक नहीं करा गया है, तो हो सकते हैं इसमें कुछ ऐसी चीजें आए जो कि मतलब ओपन कर दी जाए। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो है गेमिंग सेंटर अभी तक ओपन नहीं हुआ है एंड मेरे ख्याल से इसमें कुछ ऐसे गेम्स आ सकते हैं जो कि हमारे सेकंड एनिवर्सरी के टाइम पर आए थे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो स्पेस वॉर वगैरह जो कि आप लोग खेल सकते थे एनिवर्सरी पार्क में जाकर। तो मेरे ख्याल से जो है गेमिंग सेंटर हमारे 2.0 अपडेट में ही खुलने वाला है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट से जरूर बताना। बाकी जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो है शॉपिंग सेंटर है, तो शॉपिंग सेंटर में आप लोग कुछ अलग अलग चीजें ले सकते हो एंड यहाँ पर शॉपिंग सेंटर में जो है 3 डोर्स हैं, यानी कि ए एंड बी एंड सी। मेरे ख्याल से इसमें आप लोग या तो ग्रेनेड वगैरह नहीं, थ्रोएबल्स वगैरह नहीं, या तो आप इसमें स्किन्स वगैरह ले सकते हो या फिर कोई टाइटल ले सकते हो जो कि मतलब चियर पार्क एक्सक्लूसिव होगा, या फिर आप लोग कोई गाड़ी की स्किन ले सकते हो, या फिर ग्राफिटी ले सकते हो, या फिर कोई आउटफिट ले सकते हो। तो मेरे ख्याल से तो यही चीजें होने वाली हैं, बाकी जो भी रहेगा कुछ यूनिक ही होगा। बाकी गैस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक इमरजेंसी पिकअप का भी फीचर है जो कि आप लोग यूज कर सकते हो। एंड गैस अगर आप लोग जोन में आपके पास में व्हीकल नहीं है तो ये एक सबसे बेस्ट तरीका है जोन में जाने का, अगर आप लोगों के पास कोई भी व्हीकल नहीं है एंड आप लोग जो है जोन में जाना चाहते हो तो ये आप लोगों के लिए काफी अच्छा फीचर रहने वाला है। अब इसके बारे में बात कर ले तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से जो है इसको उठा लेना है एंड उसके बाद में आप लोग इसको ग्रेनेड की फॉर्म में जो है यूज कर सकते हो, आप इसको मतलब ऐसे कुछ मतलब यूज कर सकते हो एंड उसके बाद में आपका प्लेयर जो है मतलब इस तरीके से जो है इसको यूज करेगा एंड पैराशूट में इसकी आपकी जो है पूरी स्क्वाड जा सकती है। एंड मैं कहूं तो ये काफी अच्छा फीचर है क्योंकि इसमें अगर आप लोगों की पूरी स्क्वाड जा सकती है तो आप लोगों को जो है एनिमी से बचने में भी दिक्कत नहीं होगी एंड आप लोग जो है अच्छे से मतलब जोन के अंदर जा पाओगे। अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो है सारे टीममेट्स जो है आ चुके हैं आप लोगों के एंड इसी के साथ में अगर आप लोग देखो तो भाई ये जो है अभी जोन में जाने वाले हैं एंड बूम गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये जो है जोन में जा चुके हैं, तो ये भी मतलब काफी अच्छा फीचर है। अगर देखा जाए तो आप लोगों को जोन में जल्दी ट्रैवल करने की जरूरत पड़ती होगी एंड मतलब काफी जो है रैंक पुशिंग में भी अच्छा फीचर है देखा जाए तो। एंड बाकी आप लोग देख सकते हो बाकी आप लोग जहां पर भी जाना चाहो आप लोग वहां पर जा ही सकते हो। उसके बाद में गाइस नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर आपकी जो शॉप है यहाँ पर इसका UI जो है चेंज होने वाला है, यानी कि 2.0 वर्जन आ रहा है तो कुछ ना कुछ बड़ा ही होने वाला है। अब जैसे कि आप लोगों को पता है जैसे कि इरांगल 2.0 आया था तो उसकी काफी ज्यादा हाइप बनी थी यहाँ पर जो है हमारे PUBG Mobile के अंदर एंड इरांगल 2.0 जब आया था हमारा गेम ही बैन हो गया था। बट कोई बात नहीं, अभी आप लोग देखो तो यहाँ पर जो है शॉप के नए आइकन्स भी आने वाले हैं, RP का नया आइकन आने वाला है, तो यानी कि यही बात है कि आप लोगों का जो 2.0 वर्जन होगा उसमें काफी ज्यादा चीजें जो है आप लोगों को चेंज देखने को मिलेंगी। बाकी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों की जो है UI वगैरह काफी जो है चेंज होने वाली है, तो आप लोगों को क्या क्या चीजें चाहिए कमेंट्स में आप लोग जरूर बताना 2.0 अपडेट में।
बाकी गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप जो है आरपी मिशन अपने गेम के अंदर देख सकते हो। अब बहुत सारे लोग जो है ना यार मिशन या तो लिख कर रखते हैं कहीं पर या फिर कुछ ऐसा करते हैं, बट यहाँ पर आप लोग जो है मिशन अपने मतलब इधर ही देख सकते हो। काफी जो है अच्छी चीज मैं कहूंगा, ये तो इन लोगों ने करी है। बाकी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप लोग मतलब किसी भी जो भी आरपी होगी मेरे ख्याल से उनके आप जो है मिशन यहाँ पर देख सकते हो, तो मतलब ये भी जो है काफी सही चीज है। एंड यहाँ पर गाइस बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक नई स्नाइपर राइफल आ रही है जो कि है लिनक्स AMR, एंड ये जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था इसको आप लोग यूज कर सकते हो। मतलब ये जो है आप लोगों को जो BRDM का ग्लास है उसको फोड़ देती है, तो ये काफी मतलब मैं कहूंगा पावरफुल स्नाइपर राइफल है। बाकी अगर आप लोग देखो तो इसका जो है डैमेज काफी अच्छा है, एंड अगर भाई आप लोग देखो इसका लुक जो है AWM से काफी जो है मिलता जुलता है। एंड बात कर ले यार इस गन की मतलब फायरिंग की, तो एक बार हम जो है इसका FOV व्यू भी देख लेते हैं। इसमें आप लोग की FOV व्यू में कुछ इस तरह की आप लोग की जो है स्नाइपर राइफल दिखने वाली है, जो कि मतलब भाई बहुत ही तगड़ी गन लग रही है मेरे ख्याल से तो। एंड इसकी अपग्रेडेबल स्किन्स वगैरह भी काफी जल्दी आ जाएंगी, क्योंकि ये जो है गन आ जाएगी एक बार तो इसकी मतलब है कि इसकी जो अपग्रेडेबल मतलब गन्स हैं स्किन्स हैं वो भी मतलब आ ही जाएंगी गेम के अंदर। बाकी अगर आप लोग देखो तो इसको आप जो है मतलब 5 शॉट में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था आप लोग इसमें जो है व्हीकल को ब्लास्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो बग्गी को यहाँ पर जो है 2 टच हो चुके हैं शॉट्स, एंड यहाँ पर जो है तीसरा, एंड भाई तीसरे में मतलब आप लोगों की बूम जो है मतलब यहाँ पर बग्गी जो है फूट चुकी है। अब यहाँ पर एक और बग्गी है तो इसमें भी टेस्ट करते हैं, एंड गाइस यहाँ पर जो है हमारे 2 शॉट्स लग चुके हैं, एंड भाई यहाँ पर तीसरा, एंड भाई चौथा, एंड पांचवा, एंड बूम गाइस। जैसे कि आप लोगों ने देखा तो मतलब ऐसी चीज हो जाती है। बाकी गाइस यहाँ पर बात कर ले तो यहाँ पर जो है विंडशील्ड का मतलब है यहाँ पर जो हमारी विंडो होती है यहाँ पर US के अंदर वो भी आ जाएगी मेरे ख्याल से, एंड यहाँ पर जो हमारा स्पीडोमीटर है वो भी हमारे गेम के अंदर आ चुका है। स्पीडोमीटर क्या होता है, जो कि आपकी गाड़ी की स्पीड दिखाता है मेरे ख्याल से, बहुत से लोगों को पता होगा बट कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो उन लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कुछ भी ऐसा कमेंट मत करना, गुस्से मत आ जाना। बाकी आप लोग देख सकते हो अभी जो है इतने अपडेट्स हैं। बाकी गाइस इसी के साथ पे आगे चले थे यहाँ पर जो है और अपडेट्स के बारे में चलते हैं, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो है US पे भी आता है हमारा स्पीडोमीटर, एंड यहाँ पर जो है अभी बग्गी पे भी आने लगा है। तो मेरे ख्याल से ये जो है चीज हमारे 2.0 अपडेट में तो आई जानी चाहिए, एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हो बग्गी से भी यहाँ पर जो है स्पीडोमीटर दिख रहा है, काफी अच्छी चीज है। बाकी गाइस यहाँ पर हमारे जो थ्रोएबल्स के हैं यहाँ पर एक नया फीचर है। अब अगर आप लोग थ्रोएबल फेंकते हो तो आप लोगों को पहले ना मतलब डिस्टेंस देखनी पड़ती है कि कितने डिस्टेंस पर जा रहा है, कितने डिस्टेंस पर नहीं जा रहा है, उस हिसाब से आप जो है फेंकते हो एंड उसके बाद कैंसिल कर देते हो अगर गलत होता है। लेकिन नेक्स्ट अपडेट में ऐसा नहीं होने वाला, आप लोग जो है पहले ही मतलब दिख जाएगा कि आप लोग ग्रेनेड कहाँ पर फेंकना है एंड ये आप लोगों का ग्रेनेड कहाँ पर जा सकता है, तो ये भी जो है काफी अच्छा फीचर है। एंड मेरे ख्याल से ये जो अगर आप लोग स्क्रिम्स वगैरह या फिर ई-स्पोर्ट्स या फिर आप लोग क्लासिक मैचेस भी खेलते हो, ये जो है आप लोगों के लिए काफी अच्छा फीचर रहने वाला है। बाकी अगर इस बात के लिए यहाँ पर जो है सेल्फ रिवाइवल किट भी आने वाली है, एंड सेल्फ रिवाइवल किट से आप लोग अपने आप को खुद से रिवाइव कर सकते हो, ये तो आप लोगों को पता ही है। लेकिन एक बार इसका जो है टाइमर देख लेते हैं, एक बार इसका लुक देख लेते हैं, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये जो है हार्ट शेप का बनता है, बेसिकली ये जो है मेरे ख्याल से हेल्थ वगैरह का साइन है। एंड बाकी अगर इसके टाइमर वगैरह की बात कर ले तो एक बार हम जो है सबसे पहले अपने ऊपर ग्रेनेड कर लेते हैं, एंड उसके बाद में देखते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर कितना टाइम लगता है। अब गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमको यहाँ पर जो है पूरे 10 सेकंड लगते हैं अपने आप को रिवाइव करने के लिए, एंड मेरे ख्याल से हमारे जो है जब हमारा एनिमी यानी कि हमारा टीममेट जब रिवाइव करता है तो मेरे ख्याल से 8 सेकंड लगते हैं, तो 2 सेकंड भी कुछ ज्यादा बुरे नहीं है मेरे ख्याल से, जो है काफी सही चीज है। बाकी गाइस नेक्स्ट अपडेट में आप लोगों को कुछ नए मैप्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हमारे PUBG Mobile ने यहाँ पर टीज किया है। एंड बाकी गाइस यही थी आज की वीडियो, आई होप अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ में। तब तक के लिए गाइस मैं आप लोगों से मिलता हूँ न्यू वीडियो के साथ में, तब के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय।